दिल्ली की राजनीतिक जंग में दक्षिण दिल्ली की सीट पर कांग्रेस ने विजेंद्र सिंह को चुनौती के मैदान में उतार दिया है। बॉक्सिंग रिंग में विजेंद्र भले ही कितने ही पंच मारते रहे हो, लेकिन राजनीति के अखाड़े में वो नए खिलाड़ी हैं। बॉक्सर विजेंद्र सिंह से खास बातचीत की हमारी संवाददाता प्रीत किरण ने, आप भी सुने क्या कुछ कहा। बॉक्सर विजेंद्र सिंह साउथ दिल्ली से चुनावी मैदान में है, अब बॉक्सिंग छोड़ के राजनीति के अखाड़े में उतरे, उनसे जानते हैं क्या कुछ नए जो सोच है वो लेकर के आए हैं आप। एक तरफ जो आपका बॉक्सिंग का सफल करियर माना जाता है, ऐसे में आप राजनीति में क्यों आ रहे हैं? जी आई थिंक राजनीति को बहुत युवा की जरूरत है, इंडिया का जो आवाम है, इंडिया की जो एक सोच है, उनको एक नए चेहरों की और नई एक एनर्जी की जरूरत है, तो इसलिए हम राजनीति में आए हैं। और राजनीति ना कहें तो आई थिंक लोकनीति कहें तो अच्छा रहेगा, बिकॉज मैं राज करने नहीं आया हूँ यहाँ पर, मैं लोगों के काम, लोगों की सेवाएं, जो उनके दुख दर्द और साझा करने आया हूं, और जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं उनके लिए करूंगा। तो मुझे याद है कि 2016 में एक पोस्ट आपने शेयर की थी प्रधानमंत्री मोदी के साथ में, मोदी जी चौकीदार बताते हैं, जैसे कि आपने बोला कि आप लोक नीति की बात कर रहे हैं, क्या आप उनसे प्रभावित नहीं हो पाए क्या जो आपको कांग्रेस में आना पड़ा? जी देखिए बहुत सारे कारण हैं, अभी मैं मोदी जी के बारे में क्या बोलूँ, पहले पकौड़े वाला भी बने थे, पहले वो चाय वाला भी थे, फिर अभी चौकीदार बन गए, तो हम युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि भैया चौकीदार बन जाओ, हम क्या पकौड़े वाला बन जाओ या फिर क्या बोलते चाय वाला बन जाओ, नहीं, हम चाहते कि हमारे बच्चे अच्छा काम करें, कुछ भी अच्छा पढ़ाई में करें, आप पकौड़े वाला चलो बुरी मन नहीं मानता, लेकिन अच्छा बेहतर तो करें कम से कम, राइट, एक बड़ा ड्रीम तो देखें, उनका बड़ा विजन तो दिखाएं। एक तरफ तो हम मंगल की बात करते हैं, मंगल ग्रह की बात करते हैं, एक तरफ हम पे चाय और पकौड़े वाले की बात करते हैं, तो कहाँ से सिमिलरिटी आएगी? एक तो ये बड़े बड़े 10-15 लाख के सूट पहने जाते हैं, 1-1.5 करोड़ में उनको ऑक्शन किया जाता है, फिर कहते हैं पकौड़े वाला हूँ मैं तो चाय वाला हूँ, तो मैडम ये जायज़ बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अगेंस्ट हैं, और हमें ऐसे नहीं दिखावा करना चाहिए, बिकॉज राजनीति का जो स्तर है इससे बहुत नीचे गिरता है। कांग्रेस में राहुल गांधी से कभी आपकी मुलाकात हुई क्या? किन मुद्दों को लेकर आप राहुल गांधी से प्रभावित हैं? जी राहुल गांधी अभी सरकार में कहाँ आए, जी पहले सरकार थी मनमोहन जी की सरकार थी, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, एक न्यूक्लियर डील उनमें से एक है, काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्होंने किया था, अब तक लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, बिकॉज जब पूरा वर्ल्ड कहते हैं कि इकोनॉमी के उससे जो डाउन थी, पर मनमोहन सिंह ने सर्वाइव करवाया, हम सबसे उन सबको दिखाया कि लाइक इंडिया कितनी बड़ी मार्केट है, उसकी वजह से सब चीज़ें हो रही हैं, बट लोग उनके ऊपर लांछन लगाते हैं कि वो तो कि बाथरूम में रेनकोट पहन के ना रहे थे, हाँ बहुत सारी गलतियाँ होती जब आप पावर में होते तो गलतियाँ होती है, मैं नहीं मानता कि गलतियाँ नहीं हुई, मोदी जी से भी हुई हैं, कांग्रेस सरकार से भी हो जाती हैं, हम भी कभी मशीन नहीं होते, लेकिन आप बिल्कुल दरकर किनार मत कीजिए कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, सिर्फ बीजेपी ने किया। धन्यवाद। तो फिलहाल बहुत सी बातें हैं खिलाड़ियों के बारे में, स्वच्छ हवा जो है उन्होंने कहा कि दिल्ली में होने चाहिए, स्पोर्ट्स मैन ही नहीं बच्चों को भी बचपन से खेलने का मौका मिलना चाहिए। साउथ दिल्ली से चुनावी मैदान में है विजेंद्र सिंह, और उन्होंने ये कहा कि जीत कर आएंगे तो फिर दिल्ली की जनता के बारे में भी सोचेंगे। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ प्रीत किरण सिंह, A1 TV दिल्ली।